हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास में। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रोबो मोंगो जो सॉफ्टवेयर है वो हम कैसे हमारे पीसी में रन करें और उसको जो इंस्टॉलेशन जो कैसे पूरी प्रोसेस में आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसे डाउनलोड कैसे करना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को ला एंड तक देखिए क्योंकि आपको पता चल जाए कि रोबो मोंगो कैसे इंस्टॉल होता है। तो बेसिकली जो रोबो मोंगो है वो एक ग्राफिकल GUI यूजर इंटरफेस है, या तो हम उसे एक टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। जो हम सेल में कमांड CMD में कमांड जो रन करते हैं वो हम कमांड इसमें भी हम रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। तो सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा रोबो मोंगो, रोबो 3D, रोबो 3D बराबर। फिर आपको एंटर दे करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे आप जो पहली लिंक आएगी वो आप उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक ऐसा होम पेज खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें मुझे इधर डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने जो स्टूडियो 3D और जो रोबो 3D है वो आपके सामने दिखाई देगा, जो दोनों है डाउनलोड या रोबो 3D। तो उसमें से जो है जो डाउनलोड स्टूडियो 3D वो क्या है, वो पेड वर्जन है और जो रोबो 3D वो एक फ्री वर्जन है। तो हमें अभी बेसिकली फ्री यूज़ करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा रोबो 3D पे, और जो फिर मेरे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके पास जो अपने PC में हो उसके हिसाब से ये करना है सिलेक्ट। फिर उस पर मुझे डाउनलोड इंस्टॉलर EXE फाइल इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो सब इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास विंडोज़ है इसलिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इधर दिखाई देगा जो डाउनलोड होने लगा है, लेकिन मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया क्योंकि इसका जो टाइम है वो बचे वीडियो का। ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी हम जहाँ पे जो डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पे हमारी ये फाइल डाउनलोड हुई वहाँ पे हम जाएंगे। ये रहा है जो मेरा उसका सेटअप है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अभी उसमें हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे पहले तो यस करना पड़ेगा जो परमिशन है। फिर आपके सामने जो वेलकम रोबो 3D का जो है जो रोबो 3D का जो वेलकम स्क्रीन हो फिर आएगी। फिर हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। फिर ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो हमें एग्री करना है, आई एग्री। फिर ये जो डेस्टिनेशन फोल्डर है यानी कि ये क्या है आपके जो भी आपका जो रोबो 3D के सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो फाइल फोल्डर है वो इस फाइल पे हम स्टोर होगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं उसका पाथ। फिर नेक्स्ट, फिर आप देख सकते हैं इधर। फिर इधर दूसरा कुछ लिखा है वो डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट। अगर आपको उसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट नहीं करना चाहते हो अगर एक तो आप इधर क्लिक कर दीजिए, अगर करना चाहते हैं तो रहने दीजिए। फिर इस तरह इंस्टॉल पे क्लिक करने, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस है चालू हो गई है मेरी। फिर यहाँ पे दूसरा एक चेकबॉक आएगा, फिर यहाँ पे एक दूसरा एक चेकबॉक्स आएगा वो आपको क्लिक ही रहने देने का है। फिर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो बेसिकली जो मेरा, फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये एग्री। फिर हमें जो एग्री करना है जो लाइसेंस एग्रीमेंट है फिर से आएगा। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन और कंपनी ये सब आएगा, लेकिन ये सब हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर मुझे लिखना है फिनिश, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करने का है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे फिर वो सॉफ्टवेयर जो है रोबो 3D वो आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, ये मैंने ओपन कर दिया। फिर इसमें टाइप करना है MongoDB। ये जो स्टेप है जब भी आप कनेक्शन करना चाहते हैं ये स्टेप तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना वो कनेक्शन होगा ही नहीं। फिर जब ब्लिंक करना चालू हो जाए फिर आपको क्या करना है, जब वो जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है रोबो 3D वो ओपन करना है। रोबो 3D ये देखो, फिर इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने जो एक क्रिएट किया था वो आ गया है। अगर आप वो अगर दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं तो इधर क्रिएट, फिर इधर न्यू जो नेम है आपका ना आपको एक दिखाई देगा विंडो कनेक्शन सेटिंग का, आप देख सकते हैं जो उसका नेम है न्यू कनेक्शन वो पे मैं आपको वो ना कुछ नेम चेंज कर सके दिखाता हूँ महाशय।
अगर मैंने मास से लिख दिया है उसका नाम, फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो जो टेस्ट है आई आई बुक आई इधर बटन दिखा रहा है, वहाँ पे हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्शन हमारा प्रॉपरली हो गया है। इधर अब जो लिखा हुआ आ रहा है एक्सेसू डेटाबेस, फिर आपको क्लोज कर देने का है, फिर आपको दूसरा जो ये सेटिंग है वो बाई डिफॉल्ट रहने देने का है, फिर आपको सेव पे क्लिक करने का है, फिर आपको फिर इधर जो जो भी डेटाबेस आपका ना जो कनेक्शन आपको क्रिएट का कनेक्ट करना चाहते हो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करके फिर इधर कनेक्ट देख सकते हैं। इधर हमारा वहाँ से कनेक्शन आ गया है, फिर उस पर हमको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओपन सेल। अब जैसे आप ओपन सेल पे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने ये जो कुछ ऐसा एडिटर आ जाएगा छोटा सा, फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 100 dB। एक कमांड से क्या होगा बेसिकली जो भी मेरे जो अभी पीसी में जो कनेक्शन में मेरा डेटा बेस है जो भी ये कलेक्शन है वो मुझे दिखाई देगा। फिर इधर आपको ये जो हरा जो बटन दिख रहा है वहाँ पे रन करने का है, जिससे आप रन करोगे आपके सामने जो एडमिन कॉन्फिग एंड लोकल नाम का जो डेटा बेस है वो आ जाएगा। बाई डिफॉल्ट जो मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था कि जो मेरा जो डेटा बेस बाई डिफॉल्ट जो मोंगो डीबी क्रिएट करता है वही है। और ऐसे ही होता है और टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। फिर आपको अगर ये कनेक्शन आपको क्लोज करना है तो क्या करने का है, इसमें जो ओपन सेल यहाँ पर डिसकनेक्ट लिखा होगा उसको डिसकनेक्ट कर देने का। ओके जैसे डिसकनेक्ट करेगा ये डिसकनेक्ट हो जाएगा सो फिर आपको सो बेसिकली अब आपको पता चल गया होगा कि MongoDB का जो Robo3D सॉफ्टवेयर है कैसे क्रिएट करना है, उसका कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको रन करना है। तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही MongoDB के ट्यूटोरियल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास। थैंक यू।